तो गाइस आज बचे हुए चावल की हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसमें कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया, ये गरम हो रहा है। तब तक मैंने मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी इनको चॉप कर लिया है। और ये चावल है जो बचे हुए थे, अभी तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें सारी वेजीज डाल दूँगी। आप इसमें कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने अब अजीनोमोटो डाल दिया इसमें, ये सोया सॉस है वो डाल दिया है। इन सबको मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद जो चावल है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इन सबको मिला देंगे। और अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हरी कटी हुई जो धनिया होती है वो भी मैंने इसमें मिक्स करके डाल दी है। और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये सर्व कर लिया है। और आप भी टेस्ट कीजिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।